एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जैसे कि हम नाम से ही पता लग रहा है, एनालॉग इनपुट होगी, जो आउटपुट होगी वो डिजिटल में होगी। और जो एनालॉग टू डी कन्वर्ट ए टू डी कन्वर्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल रैंप इंटीग्रेटिंग, डुअल रैंप इंटीग्रेटिंग, सिंगल काउंटर ट्रैकिंग, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक में हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर, इसमें क्या होगा, हम एक एस ए आर का यूज करते हैं। सबसे पहले एस ए आर क्या होता है? एस ए आर जो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट ए टू डी कन्वर्टर का इसको हार्ट बोला जाता है। ये सबसे मेन पार्ट होता है ए टू डी कन्वर्टर का, जो कि 8 बिट का होगा। इससे जो भी हमारी आउटपुट्स आती हैं उसको डी टू ए कन्वर्टर में सेंड कर दिया जाता है। 8 बिट है तो Q0 से Q7 तक शो होगा, और ये जो B0 से B7 है ये बाइनरी इनपुट्स को शो करता है, जिसको डी टू ए कन्वर्टर में डाला जाता है। और इसके बाद डी टू ए कन्वर्टर से जो आउटपुट आती है वो एनालॉग वोल्टेज आउटपुट होती है, जिसे VA से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद जब ये आउटपुट आएगी तो इसको कंपेयर किया जाता है। किस चीज से कंपेयर करते हैं? एक एनालॉग इनपुट सिग्नल से, यानी एक और एनालॉग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है जिसे कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कंपेरेटर का यूज किया जाएगा, यानी एक एनालॉग इनपुट सिग्नल जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड किया जाता है कंपेरेटर के, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो 8 बिट डीएसी से सिग्नल आया है वो प्रोवाइड किया जाता है, और कंपेरेटर उन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करेगा। और इसके बाद जो भी हमारी कंपेरेटर की आउटपुट आएगी वो सीरियल डाटा इनपुट से एस ए आर को प्रोवाइड कर दी जाती है। ये सीरियल डाटा इनपुट है, फिर से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को ये अप्लाई कर दिया जाता है। और ये जो एस ए आर होता है डिजिटल आउटपुट को, जो कि 8 बिट होती है, उसे एडजस्ट करता है और एनालॉग इनपुट के इक्विवेलेंट करता है। और ये तब तक उसे जो हमारा होल्ड करता है हमारे सिग्नल को, और तब तक उसे एडजस्ट करता है जब तक कि वो एनालॉग जो हमारा डिजिटल आउटपुट सिग्नल आएगा वो एनालॉग इनपुट सिग्नल के इक्विवेलेंट ना आ जाए। और इसके साथ फिर 8 बिट लैच प्रोवाइड किए थे, एक साइड से क्लॉक्स प्रोवाइड की जाती हैं। क्लॉक्स का काम हम बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट है कि 3 सिग्नल्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे एक एक से तो हम सीरियल डाटा आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट शो करता है स्टार्ट को, जो कि कन्वर्जन स्टार्ट बताएगा कि जो कन्वर्जन साइकिल है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है CC, जो कन्वर्जन कंप्लीट का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब इसमें देखिए ये कनेक्टेड होता है लैच के साथ, 8 बिट लैच के साथ। लैच अनेबल के थ्रू जो CC होता है कन्वर्जन कंप्लीट, वो लैच को सिग्नल देता है अनेबल सिग्नल, जो 8 बिट लैच के साथ कनेक्टेड होता है, और आउटपुट पे हमें डिजिटल डाटा मिलता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। देखिए क्या होगा, सबसे पहले जब भी SAR सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को स्टार्ट सिग्नल मिलेगा तो SAR क्या होता है, रीसेट हो जाता है और होल्ड करता है स्टार्ट सिग्नल को, यानी इस सिग्नल को जो कि एक एक्टिव हाई सिग्नल रहेगा। और इसमें जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, यहाँ से स्टार्ट सिग्नल किया, SAR रीसेट हुआ, और जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आई यानी ये वाली, जब वो लो से हाई होगी इस टाइम पे, जैसे ही लो टू हाई ट्रांजिशन होगी तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों होगी हमारी, Q7, ये वाली बिट जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, जो Q7 बिट होगी उससे हमें एक आउटपुट मिलेगी जो कि आउटपुट बिट होगी। एस ए आर क्या करेगा, 8 बिट एस ए आर उसको सेट करेगा,
और Q7 से ये बिट जाएगी D2A कन्वर्टर में। D2A कन्वर्टर क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा, यानी कि डिजिटल से ये एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज होगी। और इसमें क्या होगा, एक और एनालॉग इनपुट आ रही है यहां से आ रही है ना, यानी कंपैरेटर पे जाएगा। ये दोनों जो आउटपुट आई है और जो एनालॉग इनपुट है, इन ये दोनों आपस में कंपेयर होंगी। कंपैरेटर उसे कंपेयर करेगा 8 बिट डीएसी से जो भी आउटपुट आएगी वो इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेयर होगी। अगर कंपैरेटर की जो आउटपुट आई है, अगर कंपैरेटर की आउटपुट लो हुई, अगर यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी अगर वो लो हुई, इसका मतलब है कि जो डी से ए कन्वर्टर की यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो ज्यादा होगी इनपुट से। तो एस ए आर क्या करेगा, उसे क्लियर कर देगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट Q7 को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट, अगर इसकी आउटपुट हाई आती है, कंपैरेटर की आउटपुट अगर हाई आती है, इसका मतलब ये है कि D2A यानी यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो कम है इनपुट वोल्टेज से, एनालॉग इनपुट वोल्टेज से, यानी इनपुट वोल्टेज ज्यादा है। तो SAR क्या करेगा, उसे अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है ना, उसे कीप करेगा, स्टोर करेगा। और अगर इसकी आउटपुट लो आती है तब तो क्लियर कर देगा डाटा को, और अगर हाई आती है तब उसे मेंटेन करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। और फिर क्या होगा, अगेन क्लॉक की फर्स्ट पल्स खत्म होगी और नेक्स्ट पल्स स्टार्ट हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो फिर क्या होगा, SAR जो नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, Q7 के बाद नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, Q6 को फिर क्या करेगा, वो सेट करेगा नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि Q7 कंप्लीट हो गया। और जो कंपैरेटर की आउटपुट आएगी वो डिटरमाइन करेगी फिर, अगर सेम वही कंडीशन है, अगर कंपैरेटर की आउटपुट लो हुई तो SAR क्लियर कर देगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट Q6 को, और अगर कंपैरेटर की आउटपुट हाई हुई यानी कि जो इनपुट यानी कि D2A आउटपुट है, इसका मतलब है ये कम होगी एनालॉग इनपुट से, तो SAR क्या करेगा, अगर इसकी आउटपुट हाई हुई तो SAR क्या करेगा, उसे मेंटेन करके रखेगा, उसे कीप करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, और फिर रीसेट करेगा बिट Q6 को। और ये प्रोसेस चलता रहेगा फिर Q5 के लिए, फिर Q4 के लिए, Q3, 2, 1, Q0 तक, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सारी बिट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट Q0 वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो SAR क्या करेगा, एक सिग्नल आएगा CC, जिसे बोलेंगे कन्वर्जन कंप्लीट, यानी कि ये वाला सिग्नल कन्वर्जन कंप्लीट, जो कि एक हाई सिग्नल होगा। जब ये हाई सिग्नल आएगा तो कन्वर्जन कंप्लीट सिग्नल एक अनेबल लैच को अनेबल करेगा, यानी अनेबल करेगा लैच को, लैच अनेबल के थ्रू, जिसे 8 बिट लैच क्या होगी, अनेबल हो जाएगी। और जो डिजिटल डाटा होगा, जो स्टोर होगा Q7, Q6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 में, वो डिजिटल डाटा आउटपुट पे आएगा। इसको हम सीरियल में भी ले सकते हैं, ये पैरेलल में आएगा, इसको हम सीरियल डाटा आउटपुट में भी ले सकते हैं, लेकिन वो फर्क सिर्फ इतना, पैरेलल में एक साथ आ जाएंगी, सीरियल में 1x1 आएगी, सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये जो CC पिन होगी वो स्टार्ट, वो जो सिग्नल होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा स्टार्ट कन्वर्जन के साथ। और इसकी जो एडवांटेज होती है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन A to D कन्वर्टर की, इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो भी अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ 8 क्लॉक पल्सेस का यूज किया जाता है, क्योंकि 8 बिट है इसलिए सिर्फ 8 ही क्लॉक पल्सेस लगती हैं। ये तो हो गया हमारा A to D कन्वर्टर। देखिए ये एक चीज कंफ्यूज नहीं होनी है, यहाँ पे D to A कन्वर्टर है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे जो भी एनालॉग पे आउटपुट आएगी इसकी वो कंपेयर होगी,
और उसके बाद यहाँ पे बिट्स में आएगी, या तो हाई होगी या लो होगी, ठीक है ना। अगर लो हुई तो एस ए आर क्लियर कर देगा, अगर हाई हुई तो उसमें स्टोर कर लेगा, और वही जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आउटपुट पे आ जाएंगे। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज किया जाता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।